आज मैं बना रही हूँ चिकन और आलू के कटलेट्स। तो ये मैंने 250 ग्राम चिकन ली है, इसको बॉईल कर लिया था मैंने, और इसके रेशे कर लिए थे नमक और लहसुन अदरक डालकर। और ये 175 ग्राम आलू हैं, 1.5 पाव। अब हम इसमें डालेंगे, मैश करेंगे बाद में, पहले हम इसमें मसाले डाल देंगे, उसके बाद अब हम इसको मैश करेंगे। ये 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च ली है, और ये आधा स्पून से भी कम मैंने नमक लिया है, और ये चाइना सॉल्ट है, ये 1 टीस्पून है, और ये वाइट पेपर है, ये भी 1 टीस्पून से कम है, आधा टीस्पून है, और ये है ब्रेड क्रम्स 2 टेबल स्पून, ये 2 टेबल स्पून हरी मिर्च बारीक बारीक मैंने काटी थी, और ये हरा धनिया है 2 टेबल स्पून। अब हम इसको मैश करेंगे। मैंने आलू बॉयल करके उनको छुरी से काट लिया था, अब हम इसको सबको मिक्स करेंगे, और हाथ से ही सही मिक्स होता है मेरा जहाँ तक ख्याल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छुरी से आलू काट लेंगी तो ये है कि, या कद्दूकस से कर लें उसको, तो ये है कि इसको ऐसे मिलाने में आसानी रहेगी। अच्छे लगते हैं ये कटलेट्स, बहुत शौक से खाते हैं, वरना ये आलू चिपकते हैं फिर हाथ में ना। इसे अंडे में डिप करेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्स। अच्छा, मैंने जो क्वांटिटी बताई है मसालों की बिल्कुल ठीक है, वो इसलिए कि मैंने अभी इसको चक्कर देखा था, और हमेशा मैं इसी यही क्वांटिटी डालती हूँ। ये देखें, बिस्मिल्लाह। डिप करेंगे पहले अंडे में, और फिर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। हो चुका है, अब हम इसमें कटलेट्स डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल खूब तेज गरम करने का, चूल्हा स्लो कर देना है। निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। ये लीजिए, हमारे कटलेट्स तैयार हो चुके हैं। चटनी से खाएं या केचप के साथ खाएं, दोनों के साथ मज़ेदार लगते हैं, यकीनन आपको पसंद आएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।